संभल के गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र में गंगा नदी किनारे राजघाट पर सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर स्नान कर रहे चार लोग अचानक डूबने लगे, जिनमें से तीन श्रद्धालुओं को बचा लिया गया जबकि एक लापता हो गया। दरअसल घटना संभल में गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र की है, जहां गंगा के राजघाट पर सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बहजोई थाना क्षेत्र के केशोपुर रसेटा गांव से स्नान करने आए श्रद्धालु गंगा नदी की बुलंदशहर जिले की सीमा पर स्नान करने लगे, जिनमें ओमवीर राजकुमार, मदन गोपाल, विजय पाल और एक अन्य श्रद्धालु एक ही जगह स्नान कर रहे थे। इस दौरान चार लोग गहरे पानी में डूबने लगे तो राजकुमार ने उनमें से मदन गोपाल और विजयपाल को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बचा लिया। वहीं नाविक ने भी एक श्रद्धालु को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन 11 वर्षीय ओमवीर को बचाने के दौरान राजकुमार की चीख निकल गई, जिससे घाट में श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे गुन्नौर कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र पाल सिंह ने गोताखोरों के जरिए लापता बच्चे की तलाश शुरू कराई। वहीं आस्था के पर्व बुद्ध पूर्णिमा पर हुए हादसों से पुलिस प्रशासन की तैयारियों की पोल खुल गई है। ये दो बच्चे थे, अलग कपड़ा उसमें उतारे और ये नहाने के लिए चले गए। नहाने के दौरान इनके पीछे ये आगे जाते रहे, आगे जाने के बाद ऐसा हुआ कि भंवर सी पड़ रही, दो लोग और रंग के आ गए थे, वो भी नहा रहे थे। वहीं तीन हमारे और गांव के थे, 14 में था। कुल कितने लोग नहा रहे थे इस जगह? 6 लोग। अच्छा, तो आपने क्या लोगों के लिए बचाए हैं? क्या लोगों के लिए मैंने बचा था, और एक लोग और डूबा था, वो किश्ती वाले ने बचाया है। अच्छा, कोई लापता हुआ है क्या? हाँ, वो हमारे गांव का एक लड़का लापता हो गया। अच्छा, गंगा जी नहाने आए, क्या हुआ है? हम तो घर पे थे। क्या हुआ है? कौन है आपका? मिला है नहीं, पुलिस आ गई है, तलाशी की जा रही है अभी? क्या है? अभी नहीं की जा रही तलाशी, गोताखोरी नहीं पहुंचा है वहाँ पे।